चार दोस्त रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहाँ पे वेटर आता है और चारों को रसगुल्ला सर्व करता है। चारों रसगुल्ला खाते हैं, लेकिन उनमें से एक तुरंत मर जाता है। अब खून किसने किया? डिटेक्टिव होटल में ही था, तुरंत उस टेबल पे पहुंच जाता है। डिटेक्टिव सीन को ध्यान से देखता है और समझ जाता है कि खून किसने किया है। क्या आप बता सकते हैं? तो जल्दी से कमेंट्स में बता दीजिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। खून इस वेटर ने किया है। वेटर ने सबको खाने के लिए स्पून दिया, लेकिन इस आदमी को फोक दिया। अब रसगुल्ले के लिए फोक कौन देता है? जरूर फोक में जहर होगा, बाउल मिक्स ना हो जाए, इसलिए उसने एक बाउल में फोक दिया। डिटेक्टिव ये समझ जाता है और उसे पकड़ लेता है। चलिए अब देखते हैं अगली पहेली। क्या आपने इसका भी आंसर दे दिया? तो चलिए अब ये वाला बताइए। ये तो बहुत ही सिंपल है, इसके बिना तो हमें सुनाई नहीं देता, और मैं इससे ज़्यादा हिंट नहीं दे सकता। तो चलिए आपका आंसर फटाफट से कमेंट कीजिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। ये पहले वाले इमेज में ये आदमी बोल रहा है, तो इसे हम कहेंगे स्पीक, और ये है कान यानी कि ईयर। तो इसे मिला देने पर क्या बन गया? स्पीकर। इसके बिना तो हम सुन ही नहीं सकते। तो चलिए अब नेक्स्ट वाले इमेज से कंप्यूटर के पार्ट्स का नाम बताओ। शायद ये आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो थोड़ा आप ध्यान से देखिए और इसका आंसर हमें कमेंट्स में बता दीजिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। ये पहला वाला इमोजी है F और दूसरा वाला इमोजी है ऑर्डर ऑर्डर करते हुए, तो इसे हम कहेंगे लॉ। और तीसरा वाला इमोजी है पी, तो इसे मिला देने पर बन रहा है कंप्यूटर के पार्ट्स का नाम फ्लॉपी। क्या आपने ये कभी देखी है? तो हमें कमेंट्स में ज़रूर से बताइए। तो चलिए अभी नेक्स्ट वाले इमोजी देख के फ्लावर का नाम गेस करते हैं। आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। ये है पॉप और ये है पी, तो इसे मिला देने पर बन रहा है फ्लावर का नाम पॉपी। तो चलिए अब अगला वाला देखते हैं। तो ध्यान से देखिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। ये है पैन और ये है सी, तो इसे मिला देने पर बन रहा है फ्लावर का नाम पैंसी। चलिए अब अगली पहेली देखते हैं। ये डिश तो फॉरेन की है, तो अब इस इमोजी को देख के फूड का नाम गैस करिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। ये है पैन और ये है केक, तो इसे मिला देने पर बन रहा है फूड का नाम पैनकेक। क्या आपने सही गेस किया था? जेल के अंदर जेठालाल और अय्यर का झगड़ा हो जाता है। अय्यर जेठालाल को मुक्का मारता है और जेठालाल की डेथ हो जाती है। तभी चालू पांडे क्राइम सीन पर पहुंच जाता है और जेठालाल के बॉडी को ध्यान से देखता है और समझ जाता है
कि जेठालाल की डेथ झगड़ा करने के वजह से नहीं होती है, इसकी डेथ का कोई और रीजन है। तो दोस्तों, चालू पांडे को ऐसा क्यों लगता है कि कोई और रीजन है, क्या आप सोचकर बता सकते हैं? आपको इसका आंसर देखने से पहले हमें कमेंट में बताना होगा। और आपका टाइम शुरू होता है अब। चालू पांडे देखता है कि जेठालाल के ओट ग्रीन हो चुके हैं और जेठालाल ने अपनी प्लेट से बस आधा ही खाना खा चुका है और उसके प्लेट के पास एक चूहा मरा हुआ पड़ा है। इसका मतलब इस खाने के प्लेट में जहर था, इसकी वजह से उस चूहे की और जेठालाल की मौत हो गई है। तभी चालू पांडे वहाँ खाना बनाने वाले की स्टेटमेंट लेता है। तो वो चालू पांडे को कहता है, सर मैं तो यहाँ सिर्फ खाना लाता हूँ, मुझे नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ। रवि कहता है, मैं तो सभी के लिए सिर्फ खाना बनाता हूँ, मुझे नहीं पता कि ये किसने किया है। और राहुल कहता है, मैं तो सुबह से बगल वाली जेल की साफ सफाई कर रहा था, मुझे नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ। इन सब की बातें सुनने पर चालू पांडे सबसे पहले किचन में जाता है जहाँ खाना बन रहा था, फिर बाजू वाले जेल में जाके देखता है और तुरंत समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है। लेकिन दोस्तों, क्या आप सोचकर ये बता सकते हैं कि इन तीनों में से कौन झूठ बोल रहा है? तो इस बारे में आपका क्या जवाब है, तो हमें कमेंट्स में जरूर से बताइए। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर देख लेते हैं। जैसे कि राहुल ने कहा था कि मैं सुबह से बाजू वाली जेल में साफ सफाई कर रहा था, लेकिन वो जेल तो बहुत ही गंदी पड़ी हुई है, मतलब कि राहुल झूठ बोल रहा था, बल्कि उसने जेल साफ सफाई नहीं की और उसी टाइम में जेठालाल के खाने में जहर मिला दिया। चालू पांडे ये समझ जाता है और उसे पकड़ लेता है। अगर आपको ये पहेली पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो जरूर शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसी ही मजेदार पहेलियां हम इस चैनल पर लाते रहते हैं।